हमारे पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अब हम बात करते हैं इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। एज अ लीडर ऑफ द NAM, इंडियाज रिस्पॉन्स टू द ऑन गोइंग कोल्ड वॉर वॉज टू फोल्ड। अब लीडर होने की वजह से NAM का, इंडिया का जो रिस्पॉन्स था, ये जो कोल्ड वॉर चल रहा था वो टू फोल्डेड था। एट वन लेवल इट टुक पर्टिकुलर केयर इन स्टेइंग अवे फ्रॉम द टू अलायंसेस। पहला ये था कि एक लेवल पर उसको ध्यान रखना था कि वो जो है इन दोनों अलायंसेस से दूर रहे। सेकेंड, इट रेज इट्स वॉइस अगेंस्ट द न्यूली डीकोलोनाइज कंट्रीज बिकमिंग पार्ट ऑफ दीज अलायंसेस। दूसरा, उसने ये आवाज उठाई वो जो नई नई अभी डीकोलोनाइज कंट्रीज थी, यानी कि जो अभी आजादी जिनको मिली थी, उनके खिलाफ उसने आवाज उठाई क्योंकि वो जो है इन अलायंसेस का हिस्सा बनती चली जा रही थी। इंडियाज पॉलिसी वॉज नाइदर नेगेटिव नॉर पैसिव। तो इंडिया की जो नीति थी वो ना तो नेगेटिव थी ना पैसिव थी। एज नेहरू रिमाइंडेड द वर्ल्ड, नॉन अलाइनमेंट वॉज नॉट अ पॉलिसी ऑफ फ्लीटिंग अवे। जो नेहरू थे उन्होंने दुनिया को इस बात को जताया कि जो नॉन अलाइनमेंट है ये कोई फ्लीटिंग अवे यानी निकल जाने की या बह जाने की पॉलिसी नहीं है। ऑन द कंट्री, इंडिया वॉज इन फेवर ऑफ एक्टिवली इंटरवेलिंग इन वर्ल्ड अफेयर्स टू सॉफ्टन कोल्ड वॉर राइवलरीज। दूसरी तरफ इंडिया जो है वो पूरी तरह से फेवर में थी कि जो भी वर्ल्ड अफेयर्स हैं उनके में पूरी तरह से उसकी दखलंदाजी हो ताकि जो कोल्ड वॉर राइवलरीज हैं उनको कम किया जा सके। इंडिया ट्राई टू रिड्यूस द डिफरेंसेज बिटवीन द अलायंसेज एंड देयर बाय प्रिवेंट डिफरेंसेज फ्रॉम एस्केलेटिंग इनटू अ फुल स्केल वॉर। इंडिया ने बहुत कोशिश करी कि अलायंसेज के बीच के जो डिफरेंसेज हैं उनको कम किया जाए और इस तरीके से डिफरेंसेज को कम करने से जो एक बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है उसको रोका जाए। Indian diplomats and leaders were often used to communicate and mediate between Cold War rivals such as in the Korea War in the early 1950s. India ke jo diplomats the ya jo unke leaders the unhone kai baar jo hai communicate kiya mediate kiya in Cold War rivals ke beech mein, jaise ki Korean War jo hua tha shuruaat mein 1950 mein. It is important to remember that India chose to involve other members of the non-aligned group in this mission. ये बात भी याद रखने वाली है कि इंडिया ने जो है और भी जो मेंबर्स थे नॉन अलाइन ग्रुप के उनको भी इन्वॉल्व किया अपने इस मिशन में। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इंडिया रिपीटेडली ट्राई टू एक्टिवेट दोज रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच वर नॉट द पार्ट ऑफ द अलायंसेस लेड बाय द यूएस एंड द यूएसएसआर। इस कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया बार बार ये कोशिश कर रही थी कि वो जो रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अलायंसेस का हिस्सा नहीं है, जो कि यूएस और यूएसएसआर लीड करी जा रही हैं, उनको भी जो है एक्टिवेट किया जाए। नेहरू रिस्पॉन्डेड ग्रेट फेथ रिपोज्ड ग्रेट फेथ इन द जेन्युइन कॉमनवेल्थ ऑफ फ्री एंड कोऑपरेटिंग नेशंस दैट वुड प्ले अ पॉजिटिव रोल इन सॉफ्टनिंग इफ नॉट एंडिंग द कोल्ड वॉर। नेहरू जो है पूरी उम्मीद जता रहे थे इस जेन्युइन कॉमनवेल्थ में जो कि फ्री और कोऑपरेटिंग नेशंस की थी कि ये लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं कम करने में, सॉफ्ट करने में, अगर खत्म नहीं कर सकते कोल्ड वॉर को। तो नॉन अलाइनमेंट वॉज नॉट एज सम सजेस्ट अ नोबल इंटरनेशनल कॉज which had led little to do with the India's real interest. Non-alignment जो है जैसा कि कुछ लोग कहते हैं एक noble international cause था जिसको अपने India के खुद के interest से बहुत कम लेना देना था। A non-aligned posture also served India's interest very directly, at least in two ways. ये जो non-aligned posture था इसे India के खुद के भी जो हैं हित थे जो directly असर करते थे, जैसे कि दो हैं इसमें। First, non-alignment allowed India to take international decisions and stances and served its interest rather than the interest of superpowers and their allies. पहला ये है कि non-alignment जो है इसकी वजह से इंडिया जो है वो international decisions लेने लग गई थी, साथ ही साथ वो अपने interest को जो है और stand कर रही थी जिसमें उसके खुद के interest हो बजाय जो superpowers या allies हैं उनके interest को। दूसरा, India was often able to balance one superpower against the other. दूसरा, इंडिया जो है वो बैलेंस कर पा रही थी एक सुपर पावर को दूसरे के खिलाफ। इफ इंडिया फेल्ट इग्नोर्ड और अनड्यूली प्रेशराइज्ड बाय वन सुपर पावर इट कुड टिल्ट टुवर्ड्स द अदर। इंडिया का क्या था कि अगर उसे ऐसा लगता था कि इग्नोर किया जा रहा है या जबरदस्ती एक सुपर पावर का प्रेशर पड़ रहा है उस पर तो वो दूसरी तरफ चली जाती थी। नाइदर अलायंस सिस्टम कुड टेक इंडिया फॉर ग्रांटेड और बुली इट। कोई भी अलायंस सिस्टम जो है इंडिया को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता था या उसे बुली कर सकता था। तो इंडिया ने जो है इस तरह का रुख अपनाया था। इंडियाज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट वॉज क्रिटिसाइज ऑन अ नंबर ऑफ काउंट्स। अब ये जो इंडिया की पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट की इसको बहुत ज्यादा आलोचना हुई। हियर वी मे रिफर टू ओनली टू क्रिटिसिज्म। अभी हम यहाँ पर सिर्फ दो आलोचनाओं के बारे में बताते हैं। फर्स्ट, इंडियाज नॉन अलाइन पॉलिसी अलाइनमेंट वॉज सेट टू बी अनप्रिंसिपल्ड। जो इंडिया की नॉन अलाइनमेंट थी वो जो है कहा जाता है कि उसकी कोई सिद्धांत नहीं थे। इन द नेम ऑफ परस्यूइंग
its national interest, India, it was said, often refused to take firm stand on crucial international issues. अब कहने को इंडिया अपने खुद के हित को जब देख रही थी तो उसमें ये कहा गया कि उसने जो है अपने खुद के हित देखे, तभी उसने कई बार जो है जो बहुत ज़्यादा क्रूशियल इंटरनेशनल इश्यूज थे उस पर स्टैंड नहीं लिया. सेकेंडली क्या है, इट इज़ सजेस्टेड दैट इंडिया वॉज इनकंसिस्टेंट एंड टुक कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्चर्स. ये कहा जाता है कि इंडिया ने जो है एक तरह से असंगत और जो है विरोधात्मक जो है कदम उठाए. Having criticized others for joining alliances, India signed the Treaty of Friendship in August 1971 with the USSR for 20 years. जहां वो जो है और दूसरों की आलोचना कर रही थी अलायंसेस को ज्वाइन करने के लिए, वहीं इंडिया ने खुद भी ट्रीटी जो है फ्रेंडशिप की साइन कर दी August 1971 में USSR के साथ 20 साल के लिए. This was regarded particularly by the outside observers as virtually joining the Soviet alliance system. अब बाहर वाले जो लोग थे वो उनको मान रहे थे कि इन्होंने जो है एक तरह से सोवियत अलायंस सिस्टम को ज्वाइन कर लिया. द इंडियन गवर्नमेंट्स व्यू वाज दैट इंडिया नीडेड डिप्लोमेटिक एंड पॉसिबली मिलिट्री सपोर्ट ड्यूरिंग द बांग्लादेश क्राइसिस एंड दैट इन केस द ट्रीटी डिड नॉट स्टॉप इंडिया फ्रॉम हैविंग गुड रिलेशंस विद द अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूएस. अब इंडियन गवर्नमेंट जो है इस नज़र से देख रही थी कि उस समय इंडिया को जो है डिप्लोमेटिक और बहुत ज़्यादा मिलिट्री सपोर्ट की जरूरत थी क्योंकि बांग्लादेश क्राइसिस चल रही थी और ये किसी भी केस में ये जो ट्रीटी है इसकी इंडिया ये रोक नहीं सकती इंडिया को कि उसके जो यूएस या और जो क्या कहते हैं कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशंस अच्छे ना रहे. मतलब इसके साथ उसने ट्रीटी साइन करी है लेकिन बाकी और कंट्रीज के साथ भी उसके रिलेशंस अच्छे हैं. नॉन अलाइनमेंट एज अ स्ट्रैटेजी इन्वॉल्वड इन द कोल्ड वॉर कॉन्टेक्स्ट. तो नॉन अलाइनमेंट जो है वो एक तरह से स्ट्रैटेजी के तौर पर निकल के आई इस कोल्ड वॉर कॉन्टेक्स्ट में. एज वी विल सी इन चैप्टर 2 विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर एंड द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर इन 1991, नॉन अलाइनमेंट बोथ एज एन इंटरनेशनल मूवमेंट एंड एज अ कोर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी लॉस्ट सम ऑफ इट्स अर्लियर रेलेवेंस एंड इफेक्टिवनेस. अब हम चैप्टर 2 में यही पढ़ेंगे कि जब यूएसएसआर जो है वो टूट गया और कोल्ड वॉर खत्म हो गया 1991 में, तो नॉन अलाइनमेंट दोनों ही तौर पे, चाहे इंटरनेशनल मूवमेंट के तौर पे हो या इंडिया की एक मेन फॉरेन पॉलिसी हो, मुख्य फॉरेन पॉलिसी हो, उसकी अपनी जो एक पहले की रेलेवेंस थी या जो इफेक्टिवनेस थी वो खत्म हो चुकी थी. हाउएवर नॉन अलाइनमेंट कंटेन सम कोर वैल्यूज एंड इंड्योरिंग आइडियाज. लेकिन तब भी नॉन अलाइनमेंट के कुछ ऐसे आइडियाज थे, वैल्यूज थे जो काफी अहम थे. इट वॉज बेस्ड ऑन अ रिकॉग्निशन दैट डीकोलोनाइज्ड स्टेट्स शेयर अ हिस्टोरिकल एफिलिएशन एंड कैन बिकम अ पावरफुल फोर्स इफ दे कम टुगेदर. पहला तो ये था कि जो डीकोलोनाइज स्टेट्स हैं उनकी सबका एक तरह से मोर और लेस सेम हिस्टोरिक वो रहा है, साथ ही साथ ये सब के सब जो है एक बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं अगर एक साथ आ जाएं. इट मेंट दैट द पुअर एंड ऑफन वेरी स्मॉल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड नीड नॉट बिकम फॉलोअर्स ऑफ एनी ऑफ द बिग पावर्स दैट दे कुड परस्यू एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी. इसका मतलब ये ही होगा कि जो गरीब या जो बहुत ही छोटी कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, उनको ज़रूरी नहीं है कि वो किसी बड़ी पावर की फॉलोअर बने, वो अपनी खुद की जो है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कर सकती हैं. इट वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन अ रिजॉल्व टू डेमोक्रेटाइज द इंटरनेशनल सिस्टम बाय थिंकिंग अबाउट एन ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर टू रिड्रेस एग्जिस्टिंग इनइक्विटीज. ये इस पर भी बेस्ड थी कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसको डेमोक्रेटाइज किया जाए, ये सोचकर कि एक और भी अल्टरनेटिव वर्ल्ड जो है उसको तैयार किया जा सकता है ताकि वो जो है जो इस वक्त की एग्जिस्टिंग इनइक्विटीज है यानी जो अन्याय हो रहा है उसको जो है उसके लिए एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड जो है उसको तैयार किया जा सके. दीज कोर आइडियाज रिमेन रेलेवेंट इवन आफ्टर द कोल्ड वॉर हैज एंडेड. और जब कोल्ड वॉर खत्म भी हो गया तब भी ये जो आइडियाज थे ये बरकरार रहे. तो ये था आपका चैप्टर. आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल Asa Education. Bye.